तो हमारे यहाँ पर कभी किसी से पूछा नहीं जाता कि आपकी समस्या क्या है। हम केवल उनके माता का नाम और उनका नाम पूछते हैं और उनके जीवन में जो समस्या है वो सारी हम बताते हैं, क्योंकि जो आपकी समस्या देख सकता है वही व्यक्ति आपका इलाज कर सकता है। अगर जो आपकी समस्या बता नहीं सकता वो आपका क्या इलाज करेगा, है ना। तो जो भी आज तक माँ पतंगी के दरबार में आया है, रोता हुआ आया है और हंसता हुआ गया है, ये आज तक का इतिहास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या है माँ पतंगी और उन्हीं की कृपा से दरबार चलता है और लोगों के जो दुख या दूर होते हैं दरबार में वो मैं नहीं करता, वो माँ पतंगी करती है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ आप लोगों की अर्जी माता के चरणों में रखने वाला, एक माँ का छोटा सा भक्त हूँ। अगर आप लोग आगे हमारे जो भी कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, सामग्री लिए। कहाँ से हैं आप लोग? अक्सर हमारे दर्शक आते भूख हो जाते हैं और माता जी भी हमारे चैनल को देखते थे और देख देख के शायद संपर्क करने की भी बहुत कोशिश की। चिंता मत करिए, अभी आप आए हैं तो आप सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा आप चावल लीजिए। तो अक्सर लोग आते हैं भावुक हो जाते हैं क्योंकि बहुत फोन लगाते हैं, फोन लग नहीं पाता क्योंकि हजारों की तादाद में फोन आते हैं तो सबसे मेरी बात भी नहीं हो पाती है। नाम बोलिए आपका। हेमा माता जी मेरे सामने जो माता जी बैठी है इनका नाम सुधा है, आपके माता जी का नाम राधा जी की पुत्री है, इनके बारे में मुझे बताइए देखकर। आपका भी नाम बता दीजिए। हेमा माता जी जो मेरे सामने और बैठे हैं इनका नाम सविता है और आपके माता जी का नाम सुनंदा जी की ये पुत्री है, इन दोनों के बारे में मुझे बताइए। आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है बहुत ज्यादा,
हर महीने में आपके ऊपर तकलीफ नहीं होगी। पहले तो 2010 में हुई थी, फिर आपके प्लांट में हुई थी, लेकिन वो एक साल दो साल के अंतराल में हुई। 2015 से कंटिन्यू आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है, आपके ऊपर डायलिसिस अटैक भी डाला हुआ है, ठीक है। लगने वाले ज्यादा दूर के लोग ही आप जानते हैं, और आपके लक्ष्मी बंधन कर दिया है। आपके जो मित्र है उनको ही बंधन में लेके उनको ही भूत योनि में लग गया, भूत बना के आपके पीछे लगा दिया। आपके मित्र आपके हर काम बिगाड़ रहे, जहाँ आप जाओगे जहाँ आश्रम मिल जाए वहां कोई ना कोई मुसीबत आती है। आपको जो साथ देंगे उसकी भी लक्ष्मी बांध दे रहे, अगर आपको कोई मदद करेगा तो उसकी भी लक्ष्मी बांध दे रहे, उसके भी पीतर बांधते हो उसके पीछे लगा दे रहे, उनके घर बीमारी परे ये सारी चीजें हो गई। हाँ, तो ये सारा एक देश लगा रहे हैं, क्योंकि आपको चाहते ही आपको मारना ही चाहते हैं सीधा, इसलिए आपके ऊपर इतनी बार 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 तंत्र क्रिया कर दी जा रही है। आपके ये जो आपको पैरालिसिस का अटैक नहीं था आपके ऊपर, और जो आपका हाथ पैर नहीं चलता ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया है, इससे आप स्वस्थ हो गए इसमें से, ठीक है। आपको जिंदा रखना ही नहीं चाहते, इस हिसाब से हर महीने आपके ऊपर तंत्र क्रिया लक्ष्मी पूरी तरह बांध दी है, ठीक है। पैसा आपके पास की गया है, और जहां से आप पैसा किसी से लिए तो आप उसको दे ही नहीं पाओगे, ये स्थिति बन गई है। किसी से अगर मदद मांगोगे तो उसकी आप मदद नहीं कर पाओगे, और जो आपकी मदद करता है वो भी आप जैसा हो जा रहा है, यानी उसकी भी लक्ष्मी पूरी तरह बात कर रहे हैं, वो भी परेशानी खा रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। ये मैं बताया ना, ये तंत्र क्रिया से ये काट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका पूरा, हाँ ये इसी का ही है। और आपके ऊपर भी जो है लक्ष्मी बंधन डाल के रखा हुआ है, प्लेस करेगा मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहता है आपको, ठीक है। नींद आपको एकदम टाइम से नहीं आती, कभी आती है कभी देर से आएगी कभी जल्दी आएगी वो, और आपके पीछे बीमारी लगा दी गई है, आपको एसिडिटी की समस्या रहेगी, छाती में जलन होगी, और कभी पीठ की तरफ से सुई चुभे जैसी जलन होती है। सुबह उठते हो तो मांसपेशियों में दर्द रहता है, सपने डरावने आते हैं, और जब आप पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ में आपका मन भी नहीं लगता। आपकी लक्ष्मी बांध के अभी 6 महीने हो रहे हैं, ये 6 महीने से आपकी लक्ष्मी बन रहे हैं, इनकी कितने 6 महीने से, ये 6 महीने में आपको ज्यादा आर्थिक तंगी आई, समस्या परेशान कर रही, क्लेश बना रहेगा आपके घर में, चटक क्रिया हुई है, अनबन रहेगा परिवार में इसी वजह से, बिल्कुल अनबन इसी वजह से, क्योंकि उच्चाटन, उच्चाटन क्रिया क्या है, जिस घर में उच्चाटन क्रिया कर देते हैं, उच्चाटन क्रिया होने के बाद परिवार बिखर जाता है, सब एक दूसरे से अनबन होती है और सब अलग हो जाते हैं, एक घर में रहना पसंद नहीं करते, यही है उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया परिवार में होने से पूरा परिवार बिखर जाता है। मेरी एक बात बताऊं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, लक्ष्मी बंधन, जब लक्ष्मी बंधन होता है क्या होगा, सबसे पहले आपके इनकम सोर्स बंद हो गया, मतलब आपके यहाँ पैसा आएगा नहीं, और आपके पास जो पैसा है अगर वो आपने किसी को दे दिया तो वो भी नहीं आएगा, जितना बच्चों को वो भी दिया वो भी नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी बंधन है, पैसा आएगा नहीं आपके यहाँ, ठीक है ना, ये कारण से क्या होगा। देखो अगर आपका लक्ष्मी बंधन कटेगा, आपके बंधन कटेंगे तो उनके बंधन कटने चालू हो जाएंगे, ठीक है। आपका मेन आप है, आप जिससे जिससे टच हो रहे हो सबका बंधन कर दे रहे, इसलिए आपसे जितने लोगों ने आपकी मदद की है सबको परेशान किया, वो यही है ना, क्यों आपको मारना चाहते हैं, आपको तो मैं बता चुका हूँ सीधा। अभी देखो मैं तो यहाँ से उठ गया था, फिर माँ ने वापस आके बिठाया, यही बात है। अब आपने बोला माँ ने भी वापस लाके बिठा दिया, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ये क्यों हुआ, आपके बताया ना सब बंधन किया, क्योंकि ये तो मैं आप जीवित है ये कोई की बात है, तो आपके ऊपर 5 बार मारण क्रिया हुई, कितनी बार, 5 बार, आप कुछ जानते हैं, कुछ नहीं करना है, मैं आपका काम कर दूंगा, बंधन कर दूंगा, दोबारा आपके ऊपर इस तरह नहीं हुआ, ठीक है।
आप चिंता मत करिए, आए हो यहाँ से हंसते हुए जाओगे, चिंता मत। कुछ सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। आप रखिए, आप करते रहो, ठीक है, चिंता मत करिए, रास्ते खुल जाएंगे आप कभी यहाँ से। इन्होंने बोला कि हेमा माता की अगर आप सच्ची है तो मेरी अर्जी वहां तक पहुंचा दो। देखिए माँ का चमत्कार तो यही है। देखिए जो लोग मुझे फोन लगाते ना, अगर फोन नहीं लगा वो लोग बोलते माँ माता की प्रार्थना करते हो, उनका फोन लग भी जाता है। वही आपको बताओ, देखिए माँ काली की कृपा ही, और माँ माता जी भी माँ काली ही है, कोई दूसरी नहीं है, ये पार्वती ही है। बस इन लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग रूप लिए हैं। पार्वती का ही रूप है माँ माता की, ये भगवान शिव की आदि शक्ति है। मैं बताया ना ये सारी चीजें, आप चिंता, मैं आपको बता तो चुका हूँ क्या हुआ है, आप चिंता मत करिए, आप मत बताइए, मैंने सारी चीज देख चुका हूँ, आपका मैं काट कर दूंगा। हेमा माता जी इनके ऊपर जो तंत्र क्रिया करके इनकी जो लक्ष्मी बांधी है, सबसे पहले लक्ष्मी के सारे बंधन काटे गए सुदर्शन चक्र चलाते हुए। त्रिशूल चक्र चलाते हुए इनके पूरे पैरों के बंधन काटे त्रिशूल चक्र से। इनका जो पुतला बनाकर इनके ऊपर काला जादू किया है, उस पुतले को निकाला जाए बाहर, और उस पुतले में जो बबूल के कांटे चुभोए गए वो सारे कांटे निकाल दिए जाए। कुंडा अस्त्र पुतले के ऊपर चला के 108 टुकड़े करके उसे जला कर रख दे माता रानी। इनकी जबान के ऊपर एक बंधन डाला है जिससे इनकी जबान भागी हुई है, उसका भी बंधन काट लिया माता रानी। मध्यम का त्रिविरोधी का त्रिमित्र का 108 बार चलाना है दोनों के शरीर के ऊपर। सारे बंधन काट दिए जाए। माता जी के दोनों पैरों के ऊपर कपड़ा अस्त्र चला जाए 108 बार। एक साइड के हाथ और पैर में एक घाती की शक्ति को 108 बार चलाया जाए माता रानी। इनके शरीर के ऊपर का विदेशन क्रिया को काट दे, उच्चारण क्रिया को भी काट दे इनके शरीर के ऊपर के।
इनके पीछे जो ब्रेक आर्म में लगाई हुई है सबशान की उसे पकड़े, सारी आत्माओं को पकड़े इनके शरीर में, जो इनके शरीर में प्रवेश की हुई है, जो शरीर में जो आत्माएं हैं, जो इनके सारे कामों को बिगाड़ रही है उसे पकड़े, इसे पकड़ा जाए और इनके शरीर में जो चीजें हैं उसे कपड़ा नष्ट कर चलाए और उसे 108 बार सारी चीजें कपल करके निकाले, पूरी चीजें कपल कर दी जाए इनके शरीर में, दोनों के शरीर में कपल की जाए, जो सबशान की आत्मा है जो इनके शरीर में डाली गई है उस सारी चीजों को बंधन निकाले, 108 बंधन और चाबुक से मारे इन दोनों के शरीर में जो चीजें, चाबुक चाबुक से मारा जाए और चाबुक चाबुक से मारा जा रहा है दोनों के शरीर में जो आत्माएं प्रवेश की हुई है, चाबुक चाबुक से मारा जाए और दोनों के शरीर में जो आत्माएं उसे और मारा जाए जब तक कि ये पूरी तरह से काबू में ना आए तब तक मारा जाए, इसके शरीर में जो आत्माएं मारा जाए और प्रकट किए जाए पूरी तरह से इनके शरीर से पूरी तरह सवाल करा जाए इनके शरीर सारी चीजों और मारा जाए इसे और मारे और मारे दोनों के शरीर में आत्माएं दोनों को पकड़ के खींचे जाए, जवान खींची जाए दोनों की, अर्थशास्त्र 108 बार दोनों के रीढ़ की हड्डी में चले ताकि सारी चीजें कंपन से बाहर होकर शरीर में प्रवेश करे और मारे दोनों को और मारा जाए। लक्ष्मी बंधन के करने के लिए दाली वाली सारी चीजें बाकी के बाहर मारा जाए इनको और मारा जाए और मारे पूरी तरह, इसके भी गले में फंदा डाल के भी आत्मा को भी कैद किए और मारा जाए इसे जब तक कि बोलने ना लगे, छोड़ा नहीं जाएगा, क्यों परेशान किया करा जा रहा है इसे, तो भेजा तो इस तरह परेशान करेगा, तो वचन लिया है करके इस तरह क्रिया की जाएगी, और मारा जाए इसे, मुक्ति तूने जो इतनी तकलीफ दी है इतने जल्दी तुझे मुक्ति दू, चाबुक चाबुक से मारा जाए दोनों के शरीर की आत्माओं पे जो चढ़ी हुई है, ये शमशानी चीजें जो चढ़ी है, और मारा जाए, तो 22 साल से तू परेशान कर रहा है, ये दूसरे के शरीर में जो वो भी चल बात करे पूरे तलाते हुए, तुझे छोड़ना ही नहीं, तू कहां से है, तो तू क्यों तू इसके शरीर में क्यों आया, इसमें क्या बिगड़ा तेरा, अच्छा दोनों को मारा जाए मामा तक चाबुक चाबुक से, पाप कर्म कर रहे दोनों आत्माएं बेटे इसको भी मारा जाए, तू तो एक्सीडेंट में मरा था ना, तेरी अभी दो दूसरी भी टांग तोड़ दूंगी अभी, दोनों को चाबुक चाबुक से दोनों आत्माओं को मारा जाए, माता जी के शरीर में जो जीव घुसा हुआ है एक पैर और इस पैर को पकड़े, जो इनके पेट के अंदर एक तंत्र का गोला लग के बैठा हुआ उसे भी मारा जाए पकड़ पकड़ के और मारा जाए,
इसको मारा जाए, माता जी के शरीर में जो जीन है इसको अच्छे से मारा जाए, 22 साल से परेशान कर रहा है और मारे इसे से पीछे पिशाच है उसे भी मारा जाए पकड़ पकड़ के और मारे और मारा जाए इसे। अब मारा पड़ रही है तो दर्द हो रहा है, जब तक तू इसे परेशान कर रहा था दर्द नहीं हो रहा था इसे, हंसी आ रही थी, अब क्यों हो रहा है फिर तू ऐसे कह रहे थे इसे भी मारा जाए, बकरी से लेके मारा था इसे भी मारा जाए और मारे इसे भी, परेशान करके रखा है इनको, इनको इस तरह कहे थे लेना माता रानी की इधर से इनको मुक्ति नहीं देनी, हवलपुर में तड़पा तड़पा के मार रहे हो शैतान को, अरे माता जी के शरीर में जो पिशाच है पिशाच को भी पकड़िए मारिए उसे भी चाबुक चाबुक से पिशाच को, अरे बहन के रीढ़ की हड्डी में जो आत्माएं छुपी हुई है तीन उसे भी निकाले एक एक करके बाहर, एक चुड़ैल है उसे भी पकड़िए लाए उसे सामने चुड़ैल को, अरे माता जी के शरीर में एक और शमशानी वीर है उसे भी पकड़े पकड़िए इस शमशानी वीर को, मारे इस शमशानी वीर को चाबुक चाबुक से काल भैरव जी को बुला के, अच्छा मरम्मत कराए इस शमशानी वीर की, चुड़ैल बहुत क्यों परेशान कर रही है तू लहन को, इस चुड़ैल को मारा जाए चाबू चाबू से जब तक ये बात करने ना लगे, क्यों परेशान कर रही है, सबसे वीर को इतने मारा जाए चाबू चाबू से माता रानी और मारा जाए इसके लिए की हड्डी में छुप के बैठा हुआ है, शमशान तंत्र क्रिया का गोला लेकर आया है जिससे कि इनके पेट भी साफ नहीं होता है, पेट पे जमा के बैठा हुआ है, मारे इसे शमशान वीर को और मारा जाए इसे और मारे इसे, और मारा जाए इसे शमशान वीर को, और मारा जाए इसे, ऐसे कैसे जाएगा तू, तू क्यों परेशान कर रहा है, उसने भेजा तो आया तो क्यों पेट में क्यों बैठा है, कितना किलो का गोला लेके आया है, 5 किलो का एक काल भैरव इसे अच्छे से मारा जाए और मारा जाए इसे और मारा जाए, ये बहन के शरीर में चुड़ैल उसे मारते हुए खैर के लकड़ी के पिंजरे में बंद करना है, इससे पहले मारा जाए इसे, अब नहीं आएगा क्यों, 22 साल से बैठा है तब क्यों नहीं गया, अब क्यों नहीं आएगा, कोई माइका लाल नहीं मिला था, मिल गया माइका लाल, हाँ अच्छा वाट लगा दिया, अच्छा ब्रेक देता था या आने से रोकता था इनको, कितने दिन से रोक रहा था यार कैसे, अभी तू 2 दिन पहले भी इधर आने का मन मना कर रहा था ना इन दोनों का, तबीयत खराब है ठंड है यार, कहा नहीं आने का था, और अकाल क्यों नहीं आने दिया, काय का, और मैं तो तेरे को अभी छोड़ना नहीं है, मैंने
अब तो तुझे छोड़ नहीं जाएगा। अब क्या छोड़ेंगे, अब मेरे को रहना ही नहीं। क्यों नहीं रहना है तुझे, रहना है अभी इसी के साथ। अरे ये माई बहुत खराब है। ये माई तो खराब है ना, तुम जैसे शैतानों के लिए तो माई खराब है। अरे कहाँ कहाँ जाती हो ए मां माता की, इसे फिर मारा जाए रीढ़ की हड्डी में, और मारा जाए, और मारे इसकी रीढ़ की हड्डी में। अभी और रहना है 2-3 साल? ना। क्यों? इसका ब्लड सर्कुलेशन बंद किया, इसका चलना भी बंद किया, तो भी ये भगवान का नाम ले लेके कहां मरती है पता नहीं, मरती भी नहीं। तो तू मारने के लिए आया था ना? हाँ, इसकी उम्र पता नहीं कितनी, 100 साल की है। अच्छा, तो अभी तेरा क्या किया जाए? अभी कुछ नहीं, आपसे मिलना था बस, हो गया मेरा। अच्छा, मिलने के लिए आया था तू मेरे से? हाँ। अच्छा, मिलने के लिए आया था। हो गई मुलाकात? हो गई। कैसा लगा? अरे कुछ ठीक नहीं लगा। चाबुक कैसे लगे, मिठाई कैसी लगे? दर्द हो रहा है मेरे को। दर्द हो रहा है? और मारा जाए मामा तंगी से? नहीं। क्यों नहीं? अभी स्वाहा कर दूंगा। अच्छा, चाबुक अच्छे लगते हैं? 100-200 चाबुक चाहिए? और नहीं चाहिए, नसी खुल गए मेरे, मामा तंगी मिल गई। अच्छा, अब देखो इस तरह भूत प्रेत भी अब जय मामा तंगी बोलने लगे। जो भी पर पड़ रहा है अब ये जीन जीन आएगा। हे मामा तंगी, इस शमशानी वीर को खैर के लकड़ी के पिंजरे में बंद किया जाए, और इस गैंग के शरीर में जितने 3-4 आत्माएं हैं सबको खींचकर बंद किया जाए। अब जो जीन है इस जीन को प्रकट किया जाए और फिर इसे बंद किया जाए। चल सामने हाजिर, जाना है नहीं जाना है तुझे? क्यों नहीं जाना है? बस नहीं, नहीं जाएगा, इसके साथ ही रहना है। बुलाओ क्या तेरे हे मामा तंगी, जिस तांत्रिक ने इसके ऊपर इसको लगाया उस तांत्रिक को भी चाबुक मारा जाए और इसको भी चाबुक मारा जाए, दोनों को चाबुक मारा जाए। लगा इसे भी चाबुक अच्छे से, इस जीन को भी अच्छे से चाबुक लगाया जाए, और लगाया जाए चाबुक। मोबाइल पर ये पकड़, माइक, और मारा जाए इसे अभी। फर्शास्त्र इसके शरीर के ऊपर 108 बार चलाना है पीठ की तरफ से, और चलाया जाए। और चलाया जाए ओम एम रिम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा, चल बाहर। हे मामा तंगी, बाल खींचे जीन को बंद किया जाए खैर के लकड़ी के पिंजरे में, बारी बारी से सारी चीजें पिंजरे में बंद। एक ताबीज ले आना वहां से, सारी चीजें पिंजरे में बंद। दो ताबीज ले आना जल्दी, सारी चीजें। अब ये जो तंत्र क्रियाएं हैं ये भी खींच ली जाएगा, और इनके सर के लेफ्ट साइड में जो एक नस ब्लॉक है उसे भी खोल दिया जाए, जो जाम होता रहे उसमें खून जम होगा वो भी खोल दिया जाए, जो इस जिन ने बंदिश करके रखा था। दो है पड़े, उसको मालूम है, सारी चीजें निकल ली जाए। सारी चीज सारी,
सारी चीजें बाहर, एक हाथी की शक्ति को 108 बार इनके पूरे शरीर के ऊपर चलाना है, 108 बार एक हाथी की शक्ति चलाई जाए, पंचमान को 10 दिशा से 108 बार इनके पूरे शरीर के ऊपर चलाना है, और संपर्क अस्त्र चला हुए इनके शरीर का सारा तंत्र बाहर निकल, सारा तंत्र बाहर निकाल दिया जाए कपड़ करके, सारी चीजें बाहर, घर के लकड़ी के पिंजरे में सारी चीजें कैद कर दी जाए, से पकड़ लीजिए, टोकरी को उसी में डाल देना, बात नहीं है, मेरे हाथ में सब
आपके पांच पुतले बने थे जो अभी काटा हूं मैं, पांच पुतले। आपके जो बिगड़ेगा यहाँ से सारे बिगड़ेगा, हम सूरत में लग जाएंगे। काम जितने आपके बिगड़े काम है वो आज से ही खुल गए, आज से ही, तो आने की जरूरत नहीं पड़ती आप दूसरा खुशी सेवा देने के लिए। लग रहा है ना, अगले बार आप किला चलाने यहाँ नहीं आएंगे, अगले बार आप लोग सेवा देने आएंगे, ऐसी कृपा से आपके जीवन में होगी मां माता की। इसमें डाल दीजिए एक ही बार उठाना होगा अभी आपको, ठीक, क्योंकि इसको भी उठाना होता है, वो खोल के दे दो, एक ही बार उठाना है, ठीक है। अरे पानी आधा मन टूट में डालना, आधा पी लेना आपको, हाँ वहाँ पे पहला मन टूटना आधा चढ़ा के आधा पी लेना, मतलब ये उठा होने के बाद उठा रहा, तो ये सामग्री फेंक दोगे मन टूट में उसके बाद, ठीक है। ये आपका जो हाथ पैर का जो तकलीफ है ये आज से सुधार चालू हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, ये आपका तात्विक क्रियाओं से लगाया हुआ था, अभी आज से आपके लिए इसमें सुधार हो जाएगा, 90 मिनट के अंदर पूरा ताकत चलने लगेगी जैसे आप पहले चलते थे, बिल्कुल खुल गया आज ही से, लक्ष्मी बंधन था आज ही से खुल गया। गुरु माँ के पास जाएंगे, आशीर्वाद माँ के पैर पड़ गया, माँ के पैर पड़ गया, आप चिंता मत करिए सब ठीक होगा आज से, ठीक है। आप अगले बार यहाँ पे हमारी सेवा करने आए माँ के दरबार, माँ की सेवा करने आए, आपको देखिए ऐसा होता है तंत्र क्रिया, लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया कर दी जाती है किस तरह से, बोल सकता है कि तंत्र क्रिया है, देखने वाला भी ये सोचेगा कि इनको कोई बीमारी हो गई है, देखिए ये है असलियत।